आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की लक्ष्य रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको आई एम पी डालने में सभी। अब इसे समझते हैं, माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं आपके लिए इसमें समझाता हूं, यह एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, A से O के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है, इसी प्रकार O से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी L है, और ए बी का मध्य बिंदु है वो ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी इसके कारण इस बिंदु पर, इसके कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि ई वन और इस डायरेक्शन में E2, यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा होगा, इसी प्रकार इसमें भी ये थीटा होगा। तो आवेशों प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, जो मैंने आपके लिए अभी बता दी। अब इसमें देखते हैं ये पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज A B P, अब आप इस पूरे त्रिभुज में देख रहे हैं ये बीच से आधा हो रहा है, तो इसका मतलब ए ओ ये जो है ये एल है और ये भी एल है, ये दोनों बराबर हैं, और ये जो लंबा है कितना आर है। तो अगर हम ए ओ बी ए ओ पी इस त्रिभुज में निकालते हैं तो ये तो हमारा आधार हो गया, इस प्रकार ये लंब हो गया और ये वाला कर्ण हो गया, और कर्ण निकालने के लिए हमें क्योंकि लंब माध्यम है, लंब ये माध्यम है और आधार माध्यम है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का, कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर करके जोड़ दो रूट में आ जाएगा, वही हमारा कर्ण निकल आता है। तो इस प्रकार अब निकालते हैं माइनस क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो ई बराबर क्या होता है वैसे 1/4πε0 के q/r² होता है, जो मैंने आपके लिए बता दिया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ई बराबर 1/4πε0 के q/r² होता है, जबकि हम ई वन के लिए निकालते हैं इसमें तो ई वन बराबर 1/4πε0 के q/r², तो अब आर स्क्वायर देखेंगे इसके कारण आर स्क्वायर ई वन के कारण आर हमारा कितना है, यानी ये वाला यानी बी से और पी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, वो है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर होता है, ये तो हमारा आर का वैल्यू है और ये पूरे का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार ई टू बराबर निकालेंगे तो ई टू बराबर भी 1/4πε0 q/r² प्लस एल स्क्वायर रूट में आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। इसकी जो डायरेक्शन है ई वन की वो है बी पी दिशा में, और इसकी जो ई टू की जो डायरेक्शन है वो कितनी है पी ए दिशा में। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता होगी हमारी E इक्वल
ई वन कॉस थीटा, ई टू कॉस थीटा। ई वन का वैल्यू पुट कर लेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, उस पर स्क्वायर भी था और रूट भी था, तो इसलिए हम ये देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस। अब इसी प्रकार ई टू का वैल्यू डालेंगे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये हमारा इस पर पहले उसमें जो था रूट चढ़ा हुआ था उस पर स्क्वायर था पूरे पर, तो मैंने रूट बैठा दिया स्क्वायर बैठा दिया, तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसमें से दोनों को दोनों का जो एलसीएम है वो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे या कॉमन ले लो आप, एक ही बात पड़ेगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और दोनों में ये हमने कॉमन ले लिया। अगर हम कॉमन ले लें या ऐसे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा टू यहाँ लगा लीजिए कॉस थीटा। अब इस प्रकार हमें कॉस थीटे का अभी कॉस थीटा है उसका वैल्यू मालूम नहीं है, तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले। तो अब इस त्रिभुज में देखते हैं पुनः त्रिभुज है हमारा ओ बी पी में, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं ये थीटा है, तो इसमें कॉस थीटा बराबर होता क्या आधार बटे होता है कर्ण, तो आधार कितना हमारा ये ओ बी और बटे कर्ण कितना बी पी, दोनों का वैल्यू पुट कर लो ओ बी का वैल्यू है एल और बी पी का वैल्यू है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इन दोनों का वैल्यू यानी कॉस थीटा का वैल्यू है वो इसमें लगाना है, तो ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन के इंटू टू क्यू, ये टू क्यू है अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है वो इसमें पुट कर लेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू ये हमारा एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ई बराबर निकालेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, अब हमारे ये फॉर्मूला बन जाएगा टू क्यू एल, टू क्यू एल इसके बराबर होता है ये होता है पी के बराबर, तो यहाँ पर पी लगा देंगे पी अपॉन और यहाँ पर ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा टू क्यू एल, तो टू क्यू एल का हमने वैल्यू लगा दिया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जो सेम है यहाँ, तो इन दोनों की इसकी पावर कितनी है एक, और जबकि इसकी पावर कितनी है आधी, यानी आधी और एक पावर कितनी हो जाएगी डेढ़, तो डेढ़ को क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू। जबकि हमने अभी बताया था पी इक्वल क्या होगा टू क्यू एल। अब ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस जीरो की पावर थ्री बाई टू, हमने जीरो क्यों लगाया क्योंकि जो आर का वैल्यू है उसमें आर का वैल्यू है वो एल की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है, यानी आर इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एल, यानी आर का वैल्यू है वो एल से बहुत ज़्यादा है, इसलिए एल का जो वैल्यू वो हम शून्य के बराबर मानते हैं नगण्य मानते हैं, इसलिए जो एल का वैल्यू वो मैंने जीरो लगा दिया। तो ई बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के टू पी अपॉन आर की पावर कितना
इंटू थ्री बाई टू से टू कैंसिल, ए का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के और पी अपॉन आर की पावर 3 बचा। अब निर्वात अथवा वाई के लिए के बराबर 1 लगा देते हैं, निर्वात अथवा वाई के लिए तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू है वो 1 लगा दिया तो पी अपॉन आर की पावर 3। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार द्विअक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम।